Hey guys, welcome और welcome back to my channel. Hi guys, I am Shreya. So guys, आज के वीडियो में मैं एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ईद के लिए. मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ. इस बार का जो ईद है वो सब लोग घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, कोई कहीं बाहर जाने वाला है नहीं. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आपके लिए एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक शेयर करूँ ताकि आप उसको घर पर क्रिएट कर सको. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है एंड मैं फर्स्टली अपना आई मेकअप करूँगी. तो उसके लिए गाइस मैं सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईब्रो पे, सॉरी अपने आईलिड्स पे. मैं भी ना खुशबू बोलती रहती हूँ. सो मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ इससे. नेक्स्ट अप गाइज, मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी. सो गाइज, नेक्स्ट अप मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में लाइट ब्राउन शेड लेने वाली हूँ. टू टेक दिस वन, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा देना, एक बार में ढेर सारी नहीं. एंड देन मैं उसे अपने क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी. एंड बहुत स्लोली स्लोली करना है आपको. आपको ढेर सारा प्रोडक्ट एक बार में अप्लाई नहीं करना है कभी. गाइस, ये जो मेकअप लुक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लैम मेकअप लुक है. बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाइज इस बार कोई घर से बाहर जाने वाला नहीं है और ईद है तो आप घर पे रेडी होना चाहते होंगे. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये छोटा सा ट्यूटोरियल शेयर करूँ. आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी एंड गाइज वीडियो को इन तक ज़रूर देखना प्लीज़. ऊपर अप्लाई कर लिया अच्छे से एंड देन मैं अभी एक पॉइंटर ब्रश ले रही हूँ और उसमें मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी. हमारा क्रीज ये है तो मैं वहाँ पर इसे अप्लाई करूँगी अच्छे से. सो अभी आपको दिख रहा होगा मेरा क्रीज उभर के. एंड गाइज अगेन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी एंड मैंने कोई भी प्रोडक्ट इस पर नहीं लिया है. मैं बस अपने दोनों आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इससे ताकि सब कुछ इवन दिखे. गाइज नेक्स्ट अप मैं एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ. ऐसे वी शेप में आपको दिख रहा होगा इस टाइप का कट है एंड मैं उसमें डार्क ब्राउन शेड लूँगी. देन मैं उसे अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी कुछ इस तरीके से. और हल्का सा बाहर भी पुश कर रही हूँ मैं, आप देख रहे होंगे. सो गाइज नेक्स्ट अप मैं ये गोल्डन शेड यूज़ करने वाली हूँ अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी इसे. सो गाइज मैं नेक्स्ट अप ये ब्लैक शेड यूज़ करने वाली हूँ एंड मैं कोई भी आईलाइनर यूज़ नहीं करने वाली. सो इसी में ये ब्रश मिला था मुझे. सो ये पतला सा है, मैं इसी में ब्लैक कलर लूँगी एंड अपने लोअर लैश लाइन के बहुत ही क्लोजली इसे अप्लाई करूँगी. धीरे धीरे अप्लाई करना है गाइस. मैंने इसे अपने अपर और लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है एंड देन अगेन फिर मैं ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है इसी में, उसमें ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे अपने लोअर लैश लाइन पर स्पर्ज कर दूँगी अच्छे से. सो गाइस नेक्स्ट अप मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ. मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस मास्कारा बचा हुआ है. सो फर्स्टली गाइज मैं अपने आई लैशेज को कर्ल करूँगी. सो मैं यहाँ पे ये वेगा का आई लैश कलर यूज़ कर रही हूँ. सो गाइज मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है एंड गाइज मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे ना ये एन वाई बे का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वाइट.
ब्लैक के साथ ना वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। गाइस आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस बेस मेकअप बचा हुआ है। शेड नंबर है 01 PUG पग शेड नंबर 01 स्टेक और की का है ये। सो मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है। मैं कोई फाउंडेशन यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ गाइस क्योंकि घर पे ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने आईज़ ऑलरेडी थोड़ी हैवी रखी है, सो दैट्स व्हाई मैं चाहती थी कि बेस थोड़ा यू नो सटल रहे। सो क्योंकि ये एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है, दैट्स व्हाई मैं बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं करने वाली हूँ, ऐसे फिंगर से ही अप्लाई करने वाली हूँ। इनकी पिंकी टाइप है तो स्पंज की मदद से ब्लेंड कर ले रही हूँ। गाइस मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड अच्छी खासी कवरेज दी है इसने, मतलब उतना ज़्यादा कवरेज तो नहीं दिया है इसने गाइस क्योंकि ये सीसी क्रीम है तो उतना ज़्यादा कवरेज देगा नहीं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा फिनिश आया है। एंड मैं इसे कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर लूँगी। सो गाइस मैंने सेट कर लिया है। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रोल माई फेस, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैं अगेन ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्ट्रोल पाउडर और कॉन्ट्रोल प्रोडक्ट आप डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हो आई शेडो का, वो भी काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रोल कर देती है। मैंने कॉन्ट्रोल कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप मैं ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर ब्लश पैलेट। मैं ये लाइट पिंक शेड लूँगी। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइलाइटर। सो गाइस फर्स्टली मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। फेस मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है, बस लिपस्टिक बची है। तो गाइज मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का लिपस्टिक इन द शेड फूशिया फ्लैश। ये द पाउडर मैट्स कलेक्शन का है तो मेबलिन की तरफ से, एंड इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा शेड है गाइज ये। सो या माई बेस मेकअप वॉज कम्प्लीट, अभी मैं फिर से एक बार सेट कर लूँगी अपने बेस मेकअप को। मैं स्पंज की मदद से सब कुछ अच्छे से डैब कर लूँगी। सो गाइज हमारा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, लेट्स सी द ओवरऑल लुक। तो गाइज मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है चिकनकारी कुर्ते और प्लाजो के साथ विद कंट्रास्ट दुपट्टा। मैंने लेमन येलो कलर का कुर्ता वेयर किया है एंड वाइट कलर का प्लाजो वेयर किया है, साथ में मैंने ईयरिंग वेयर की है और मांगटीका, और हाथ में गाइज मैंने दोनों हैंड में रिंग वेयर किया है और एक एक बैंगल्स, और पैर में मैंने मोजरी वेयर की है। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक, आई होप कि आपको पसंद आया हो। सो गाइज आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। एंड गाइज ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। एंड गाइज ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।